हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का हमारे केम सिंह ब्लॉग बल में स्वागत है। आज मैं टेस्टी वो लाजवाब पकोड़े की रेसिपी लेके आई हूँ। वो चना दाल नहीं, मसूर की दाल की आज मैं पकोड़े की रेसिपी आपको शेयर करूंगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इधर देखिए, मैं ले ली हूँ मिक्सर जार। इसमें ऐड कर रही हूँ मसूर दाल। इसको मैंने 2 घंटे ही भिगो के रखी थी पानी में। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं अदरक का टुकड़ा, 2-3 लहसुन की कली को एंड 2 ग्रीन चिली को। अब सभी को अच्छे तरीके से मैं पीस लूंगी। तो देख लीजिए, इधर हमारा मिक्सचर पीस के हो गया है रेडी। यानी कि मैं थोड़ा दरदरा ही इसे पीसी हूँ, जिससे कि हमारा पकौड़ा क्रिस्पी लगे। तो देखिए, इधर मैं एक बर्तन में सभी को निकाल ले रही हूँ। अब इसमें ऐड करूंगी कुछ सूखे मसाले, जैसे हल्दी पाउडर एंड नमक अपने स्वाद के अनुसार। अब सभी को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। आप चाहो तो इसमें सोडा भी डाल सकते हो, बट मैंने ऐड नहीं किया है, जिससे वो फूला फूला बनेगा। तो इधर देखिए, मैं डाल रही हूँ कढ़ाई में ऑयल। ऑयल में ऑयल हो गया गर्म। इसमें मैं छोटे छोटे पकौड़े को डाल दे रही हूँ। 1 बार फ्रेंड्स, आप मेरे तरीके से मसूर दाल के पकोड़े बना के देखिए। ये बिल्कुल मार्केट जैसा एकदम क्रिस्पी बनता है, और ये शाम के स्नैक्स के रूप में भी आप चाय के साथ खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए, इधर मैं अलट पलट करके सभी पकोड़े को 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। ज्यादा हाई फ्लेम नहीं रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे ही इसे तलूंगी। आप देख सकते हो हमारा पकौड़ा कितना अच्छा कलर आ रहा है पकौड़े में। इसे अलट पलट करके 1 से 2 मिनट के लिए और फ्राई कर लूंगी, यानी कि तलूंगी। तो देखिए, फाइनली हमारा पकौड़ा तल के हो गया है रेडी। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूंगी एक एक करके। फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी बन के होता है रेडी, और बहुत ही फ्लफी, यानी कि बहुत ही टेस्टी बनता है। ऐसे ही मैं और भी बचे हुए मिक्सचर को इसमें डाल के तल लूंगी पकौड़े, निकाल लूंगी सभी को। देखिए कितना फुला फुला हमारा पकौड़ा बना है, आप देख सकते हो। तो सभी को मैं निकाल ली हूँ एक प्लेट में। अब मैं इसे तोड़ के आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितना फुला फुला हमारा पकौड़ा बना है। देखिए कितना अंदर से जालीदार पकौड़ा हमारा दिख रहा है, यानी कि एकदम फुला हुआ पकौड़ा बना है। पता है, आप जितना ज्यादा हाथ से फेटोगे ना, ये उतना ही ज्यादा फ्लफी बनता है, यानी खिला खिला बनता है। अब आप इसे चाहो तो टमाटो सॉस के साथ या हरी चटनी के साथ इसे खा सकते हो। तो देखिए फ्रेंड, फाइनली हमारा पकौड़ा बनके हो गया है रेडी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो आप मेरी रेसिपी को पूरा जरूर देखिएगा। थैंक यू।